नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार सामान्य ज्ञान के प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारी पार्ट फोर होगी। हमारी पहले को पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे, ये स्टेट एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस नहीं करते हैं, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में। हमारा आंसर क्या होगा, 2002 में। 2002 में बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है? ऑप्शन, इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसमें से इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस जो सभी हैं, ये सभी ट्रेनें बिहार से होकर जाती हैं। ये पिछली बार बिहार पुलिस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। क्या होगा हमारा, पश्चिमी रेलवे जो है वो बिहार के किसी क्षेत्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हम जानते हैं ये बिहार में, बिहार की क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं तो बिहार में ही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हाजीपुर, बख्तियारपुर, पटना, भागलपुर। हमारा आंसर क्या होगा, हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन क्या है, अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है? ऑप्शन, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे। हमारा आंसर क्या होगा, पांचवे। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन, 2688 किलोमीटर, 2788 किलोमीटर, 5188 किलोमीटर, 6688 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन क्या होगा, 5188 किलोमीटर, सी। हमारा सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? 1868 से 69 के बीच में, 1860 के 62 के बीच में, 1875 से 70 के बीच में, 1880 से 1890 के बीच में। तो कब हुआ था, 1860 से 1862 के बीच में बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है? पीडब्ल्यूडी के पास, जिला परिषद के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग के पास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जिला परिषद के पास सड़कों का सबसे बड़ा नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार में वाराणसी से ग्रेट ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? पटना से, बख्तियारपुर से, मोहनिया से, फतुहा से। हमारा ऑप्शन क्या होगा, मोहनिया से वाराणसी से ग्रेट ट्रंक रोड शुरू होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, 2884 किलोमीटर, 3884 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में इतनी है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।